यूपी पुलिस त्योहारों पर गरीब बच्चों के प्रति प्यार उमड़ रहा है उनका। बाराबंकी में पुलिस ने गरीब बच्चों के साथ दिवाली मनाई। साथ ही प्रधान प्रतिनिधि ककरी सचिन सिंह सहित लोनी कटरा प्रभारी रामकिशन राणा ने भी मिठाइयां बांटी। पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुनील सिंह का अनुज सचिन सिंह का भी दिखा गरीबों के साथ दिवाली मनाना, तस्वीरें देखिए आपके सामने। इसके अलावा नए एसपी अनुराग वत्स के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक लोनी कटरा ने गरीब बच्चों के साथ ग्राम कांधीपुर में गरीब परिवारों के बीच जाकर मिठाइयां खील बताशे बांटे, फुलझड़ियां जलाकर दीपावली मनाई। पुलिस का ये प्यारा सा चेहरा सामने आया, गरीब बच्चों के साथ पुलिस वालों ने अपनी दीपावली मनाई। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। शिवम जायसवाल हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। शिवम, बाराबंकी से पुलिस का ये प्यारा सा चेहरा जो सामने आया, किस तरह से वहां पर गरीब बच्चों के साथ उन्होंने दिवाली मनाई और गरीब बच्चे कितने खुश हुए, क्या कहना था उनका? से वापस आया और कोरोना में पूरा देश जूझा, उसके बाद आज खुशी का माहौल, दीपावली का पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। और बाराबंकी पुलिस का जो प्यार भरा चेहरा है वो सामने आया है। बाराबंकी के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जितने भी एसएचओ प्रभारी निरीक्षक हैं, उन्होंने गरीब बच्चों के साथ गांव-गांव जाकर गरीब बच्चों के साथ दीपावली मनाई है और मिठाई बांटी है। ऐसे में बाराबंकी पुलिस का जो प्यारा चेहरा है, जो प्यार भरा चेहरा है, जो बच्चों के प्रति प्यार, गरीबों के प्रति प्यार, वो देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो सारी जो पुलिस है वो जो गरीब बच्चों में जाकर, झोपड़ियों में जाकर बच्चों के साथ दिवाली मनाएगी। इसी क्रम में बाराबंकी के जो नवागत पुलिस अधीक्षक हैं अनुराग वत्स, उन्होंने पूरे बाराबंकी पुलिस को ये निर्देश दिए कि वो हर जगह पर जाकर, पुलिस वहां पर गाँव में जाकर गरीब बच्चों के साथ दीपावली मनाएगी। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक लोनी कटरा ने ग्राम क्षेत्र के ग्राम कानीपुर में जाकर जो गरीब बच्चे हैं उनके साथ दीपावली मनाई, मिठाई खिलाई, फुलझड़ियां डाली। बाराबंकी पुलिस ने प्रेम की, उदारता की मिसाल पेश की, अन्य तमाम थानाध्यक्षों के लिए भी कहीं ना कहीं ये एक तरीके से सीख वाली बात होनी चाहिए। वो भी इस तरह से गरीबों के बीच जाकर दिवाली मनाए ताकि गरीबों की दिवाली भी अविस्मरणीय बन पाए। जी बिल्कुल, अनुराग वत्स एसपी जो नवागत एसपी हैं बाराबंकी में, चार संभालते ही बाराबंकी की आवाम को ये लग गया कि एक ईमानदार पुलिस अधीक्षक के रूप में अनुराग वत्स को बाराबंकी की पब्लिक, बाराबंकी ही नहीं कह सकते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की पब्लिक अनुराग वत्स को एक ईमानदारी की नजर से देखती है। बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने जैसे ही चार संभाला, उसके बाद जो एक मैसेज बाराबंकी के लिए गया बहुत ही अच्छा गया, और अनुराग वत्स ने बाराबंकी पुलिस को पूरा, जो पूरी बाराबंकी की पुलिस है उसको निर्देश दिया कि दीपावली में जो उनके थानाध्यक्ष हैं, जो प्रभारी निरीक्षक हैं, जो पुलिस है, वो गांवों में जाकर जो गरीब बच्चे हैं, जो झोपड़ियों में जो गरीब लोग रहते हैं, जो दीपावली के पर्व को मनाने में असक्षम रहते हैं, तो उनके साथ जो है पुलिस ने जो है दीपावली मनाई है। ऐसे में ये जो संदेश है वो बहुत ही प्यारा संदेश बाराबंकी की आवाम के लिए और बाराबंकी पुलिस के लिए दिख रहा है। निश्चित तौर जी शिल्पा, बहुत शुक्रिया आपका शिवम जायसवाल इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।